तो आज की शुरुआत हम करते हैं एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एंड मैकेनिकल क्वांटिटीज, मैकेनिकल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल और मैकेनिकल क्वांटिटीज में क्या सिमिलरिटी है या कौन सा किसका एनालॉग है ये हमें देखना है। सपोज आपने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया जिसको आप एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाके छोड़ते हैं। अच्छा, जो सरफेस है दैट इज स्मूथ, इसकी नेचुरल लेंथ है एल, लेकिन आप इसे ए आगे लेके और यहां से रिलीज किया, और दूसरी साइड में एक सिस्टम ले रहा हूं जिसमें दूसरा जो हम सिस्टम बना रहे हैं इसके सामने वो एक इंडक्टर लगा दिया, नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर जो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होता है कल हमने बताया था, और आपने एक चार्ज कैपेसिटर लगा दिया, पहले से उस पर कुछ चार्ज देके छोड़ दिया एंड रेजिस्टेंस इस साइड जीरो है। इसका इक्विवेलेंट यहां है कि ये जो सरफेस है ये आपने स्मूथ ले रखी है। तो देखो दोनों साइड किस किस चीज का ऑसिलेशन होगा। यहां शुरुआत हो रही है एक्स, एक्स में बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वो आपका एक्स है। इसका इक्विवेलेंट वहां होगा क्यू, दिस इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज ऑन कैपेसिटर। देखो दोनों की शुरुआत एक तरह से हो रही है, टी बराबर जीरो पे इसको रिलीज किया तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम थी, और जब टी बराबर जीरो पे इसको स्टार्ट किया तो चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम है। एट टी इक्वल टू जीरो इस वाली सिचुएशन में x मैक्सिमम है और वो a है, और इधर मैं देखूं तो एट टी इक्वल टू जीरो जैसे यहां x मैक्सिमम है, यहां पे चार्ज मैक्सिमम है और चार्ज ऑन द कैपेसिटर आपने दिया है कैपिटल Q, यानी कि जो रोल इधर x का था वो रोल उधर चार्ज का होगा। अब कुछ भी हम ऑसिलेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम एक बार ओमेगा कंपेयर करते हैं दोनों का, ओमेगा इस वाले ऑसिलेशन में, देखो मैं यहां नंबरिंग डालता चलता हूं कि हम कंपैरिजन ले रहे हैं, ये नंबर वन। नंबर टू, कल ही आपने निकाला था, बताएं इसका ओमेगा कितना होता है, इस सिस्टम का नेचुरल ओमेगा कितना होता है, क्या नाम है? बोलो भाई, कल ही तो हमने पढ़ा इस सिस्टम का नेचुरल ओमेगा कितना होता है, बताएं। हाँ भाई, कोई भी बच्चा जवाब दो, नहीं फिर मैं पूछूंगा आपसे नाम लेके। कोई बता रहे क्या, आंसर दे रहे? यशदीप एक बार जवाब दो। चलो कोई तो बच्चा बताए क्या होगा, नेचुरल ओमेगा क्या होता है इसका। चलो मैं लिखता हूं तब बताने, ध्यान भी आता है कि नहीं। इस सिस्टम का जो ओमेगा नेचुरल होता है दैट इज वन अपॉन अंडर रूट एल सी। बताओ ये याद आ रहा है, ये फॉर्मूला हमने निकाला भी था, प्रूव भी किया था पिछली क्लास में। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं या कहीं और ही हैं आप लोग? हाँ भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हो कि नहीं? सर सुन रही है। तो फिर जवाब भी देना चाहिए ना हमें। इसका नेचुरल ओमेगा क्या हमने नहीं निकाला पिछली क्लास में, वन अपॉन अंडर रूट एल सी, चार्ज के ऑसिलेशन का,
और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, और 2 पाई बाई ओमेगा करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। अब मैं इधर आता हूं, इधर हम टाइम पीरियड याद रखते हैं प्लस वन से, टाइम पीरियड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का हम याद रखते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, याद है ना आपको ये वाला फॉर्मूला? तो इससे ओमेगा निकालो, इससे ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो टी से टी तो कट जाना है ना, सॉरी 2 पाई से 2 पाई कट जाना है, और यहां जो ओमेगा आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ के बाई एम, वहां ओमेगा है 1 बाई अंडर रूट एल सी एंड यहां ओमेगा है अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो यहां से सर, हाँ जी विजेंद्र सर को बोल दो म्यूट कर ले, म्यूट कर दे। अच्छा उनकी तरफ से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है शायद सुन गया होगा उन्हें, कोई बात नहीं अब सुन ही गया होगा, आपके अभी सुना होगा तुमने, मैं कैसे बोलूं। देखिए सुनिए, अभी पहले बताओ क्या दो पॉइंट क्लियर हो गए? अभी हम कंपैरिजन ले रहे हैं, क्या ये पहले दो पॉइंट आपको क्लियर हुए कि नहीं? यस सर। ठीक है अब हम एनर्जी लिखते हैं, सुनो तीसरा नंबर मैं यहां देता हूं पोटेंशियल एनर्जी का, और उधर तीसरा नंबर देंगे पोटेंशियल एनर्जी जैसी एनर्जी यहां पे होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि चार्ज आके स्टोर होगा तो उस वजह से जो एनर्जी होगी वो इसका इक्विवेलेंट है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि इस सिस्टम में किसी भी वक्त अगर मीन पोजिशन से एक्स आगे है ब्लॉक, तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका क्या फॉर्मूला है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई टू सी। हाँ जी बोलो, ये आ रहा है ना समझ में? ठीक है तो आप इन दोनों से कंपैरिजन देखो, कंपैरिजन देखो एक बार, हाफ की जगह हाफ है, एक्स की जगह क्यू है, के की जगह क्या है वहां पे, वन बाई सी। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि जो K होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का दैट इज इक्वलेंट टू 1 बाई सी, या इधर से कहें तो जो C होता है LC ऑसिलेशन का दैट इज इक्वलेंट टू 1 बाई के। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इधर से K 1 बाई सी और उधर से C आपका 1 बाई के। चौथी बात, यहां होगी काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, आप v को लिख सकते हैं dx by dt, तो हाफ इंटू एम इंटू डीएक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर। उधर ऐसी एनर्जी है मैग्नेटिक एनर्जी, उधर जो ऐसी एनर्जी होगी दिस विल बी मैग्नेटिक एनर्जी, क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक एनर्जी का, हाफ एल आई स्क्वायर, और i को आप लिख सकते हैं dq बाई डी टी, तो हाफ इंटू एल इंटू डी क्यू बाई डी टी का होल स्क्वायर। अब बताओ कंपैरिजन से कौन सी चीज किसके इक्विवेलेंट आ रही है, यहां से एक नया बात आपको जो पता लग रही हो, भाई हाफ की जगह हाफ है, क्यू की जगह एक्स है, डी बाई डी टी डी बाई डी टी, एम की जगह वहां क्या है एल, इसका मतलब इस सिस्टम का जो एम है मास वो उधर का L है, क्योंकि L का एक और भी नाम हमने कभी EMI चैप्टर के टाइम दिया था, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला था ये नाम, कि इंडक्टेंस इज द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एकदम से करंट को चेंज नहीं होने देता है। सिमिलरली मास इज द इनर्शिया ऑफ मैकेनिक्स, वो एकदम से वेलोसिटी को चेंज नहीं होने देता, वही सब चीज है। और यहां से हम कहें तो L इज इक्वलेंट टू M, आप ये बताओ क्या ये कंपेरिजन समझ में आया कि नहीं आया, ये किसके कंपेरिजन है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस के, इधर अनडैम्प्ड होने का कारण है कि R जीरो है और इधर अनडैम्प्ड होने का कारण है कि फ्रिक्शन जीरो है। अब एक बार एम्स 2011 की बात है, खैर काफी पुरानी 9 साल पुरानी बात होगी, एम्स 2011, अब तो एम्स का पेपर ही अलग नहीं होगा, एक ही कॉमन पेपर कर दिया, लेकिन जब एम्स का पेपर अलग हुआ करता था तो वो जो क्वेश्चन डालते हैं कई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, वो उनके अपने बच्चों से पूछ के वो डाला करते थे, क्योंकि एम्स अपना पेपर बाहर नहीं देता है। तो उसमें ये बताया था कि जो एम्स 2011 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा था, यही ये वाला, कि जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मास है ना, जो एलसी ऑसिलेशन का एल है वो इसमें किसके इक्विवेलेंट है,
तो डायरेक्ट आपका आंसर था कि L इज इक्वल टू M, अगर आपने कंपैरिजन पढ़ा होता तो। अब एक बार अपनी बुक में पेज नंबर 257 निकालिए। पेज नंबर 257 में ये ब्लू कलर में एक टेबल है, एक बार यहां देखिए, मैंने दिखाया आपको, समझ में आ रही कौन सी टेबल की मैं बात कर रहा हूं? निकालो ये टेबल। हाँ भाई मिल गई, एनसीईआरटी पेज नंबर 257, एक बार आप ये चीज निकालें। देखिए अब बताओ ये टेबल पे पहुंच गए हो ना आप, बुक खोल लियो तो। यस सर। अब इसमें देखो पूरा कंपैरिजन है, इधर मास, तो मास के सामने इधर इंडक्टेंस L, दूसरे नंबर पे फोर्स कांस्टेंट K, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K, और उधर है 1/C रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, डिस्प्लेसमेंट X, उसकी जगह यहां है चार्ज Q, dx/dt इधर है वेलोसिटी और dq/dt उधर है करंट, यानी कि वेलोसिटी का इक्विवेलेंट होगा करंट, और मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी जैसे लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एमवी स्क्वायर, और उधर देखोगे तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। तो शायद आपको ये पूरा कंपैरिजन समझ में आ गया होगा, और जस्ट इससे ऊपर ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, और इन्हीं पे मैं कह रहा हूं कि भाई एम्स में तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है, और बाकी आपके नीट वीट में भी आ जाएंगे इन चीजों से। क्या ये समझ में आ गया कंपेरिजन वाला काम, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन? ठीक है। अब हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर हम डैम्प्ड की तरफ चलेंगे। सबसे पहले अनडैम्प्ड ऑसिलेशन पे आप क्वेश्चन लेंगे। आपको यूं दिया गया है कि एक कैपेसिटर है, एक एलसी ऑसिलेटर है कोई, सेम यही चीज अनडैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन हो रहे हैं, ये L, ये C, और आप एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इस पे LC ऑसिलेटर पे। अब इसमें बोला गया है 1.5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 57 वोल्ट, ये 1.5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, और जो इसको वोल्टेज दी गई है दैट इज 57 वोल्ट, ये अरेंजमेंट है, ये आपको अरेंजमेंट दिया गया है। The charging battery is then disconnected and a 12 mH coil is connected in series with the capacitor. और ये 12 mH का इंडक्टर लगा दिया। क्या सवाल आ रहा है ना समझ में? मैं बोल रहा हूं सबसे पहले इसकी चार्जिंग कर दी 57 वोल्ट की बैटरी से, उसके बाद बैटरी हटाया तो ये वोल्ट नहीं हटेगा, ये इतना रहेगा इसके पास, और इसको एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, तो मतलब एक LC सर्किट आपको बना के दे दिया है। अब सवाल है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल, आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल, और अब कुछ नहीं दिया तो ये मान के चलो कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल जीरो है। बताओ कैसे करेंगे कि सर्किट में आपको आई मैक्स बताना है कि इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना होगा, ये वाला सवाल है। कीजिए आप एक बार ट्राई कीजिए, इक्वेशन बनाए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कर रहे हो क्या बताओ? हाँ भाई बोलो कैसे होगा? ये जब कल क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे थे उसमें भी ये तरीका बता दिया था एनर्जी कंजर्वेशन से। बताइए क्या इक्वेशन लिखूं? आप सोल्व मत करो कोई बात नहीं, इक्वेशन बता दो कि क्या इक्वेशन बनेगी।
बोलो, अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं क्यों बताऊंगा यहाँ पे। आप जवाब दीजिए कि क्या इक्वेशन बनेगी। क्या हम मतलब ऐसे ही रुके रहे हैं क्या? अब जवाब नहीं देने वाले हैं, बताओ यार, कोई तो बच्चा बोले क्या इक्वेशन बनेगी। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप उन बातों का जवाब दीजिए। शुरू में इंडक्टर में करंट नहीं, केवल कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ा है, तो यू इनिशियल कितना होगा, कैसे लिखें? इन वैल्यूज को देखते हुए बताओ कि यू इनिशियल कैसे लिखें हम। भाई यू इनिशियल बराबर यू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस यू मैग्नेटिक फील्ड। कनेक्ट करते ही इंडक्टर एकदम से करंट आने नहीं देगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में तो यू जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट फॉर्मूला बता दो मुझे कि कितना, क्या फॉर्मूला होगा यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का। बोलो हाँ जी वैशाली, आप बोलो क्या फॉर्मूला होगा। भैया आज तो जवाब ही नहीं दे रहे आप लोग, क्या फॉर्मूला होगा बताइए। मुझे बार बार यू लगने लग जाते, कहीं आप म्यूट तो नहीं हो रहे और आप बोलते ही नहीं। यू इनिशियल कितना होगा? हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि इस बार क्यों नहीं दिया, आपको वोल्टेज दी है, तो यू इनिशियल आपका होगा हाफ इंटू सी 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। सर हाँ जी सर, ये फिर से बता दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। क्वेश्चन ये है कि अगर एक कैपेसिटर है 1.5 माइक्रोफेराड और उसको हमने एक 57 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, चार्जिंग करने के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट की और उसको एक इंडक्टर से कनेक्ट किया 12 मिली हेनरी इंडक्टर से, तो आपको ये बताना है कि सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना होगा। आपको सिंपली इस बात का जवाब देना है कि सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना होगा, बस ये बताना है। तो कैसे बताएं आप सबसे पहले इनिशियल एनर्जी निकालो। देखो रेजिस्टेंस का जब तक जिक्र ना हो आप मान के चलो कि सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आप इनिशियल एनर्जी निकालेंगे। यू इनिशियल बराबर यू इलेक्ट्रिक प्लस यू मैग्नेटिक। इनिशियली कोई करंट नहीं है, इंडक्टर एकदम से करंट नहीं आने देगा, तो यू मैग्नेटिक होगा जीरो। यू इलेक्ट्रिक उसका फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई टू सी भी होता है, लेकिन हमें वोल्टेज दी है तो हाफ सी वी स्क्वायर, हमने हाफ वी सी वी स्क्वायर में वैल्यू पुट की, तो इतने जूल ये आपका आ गया यू इनिशियल। करंट मैक्सिमम कब होता है? कल एक क्वालिटेटिव ऑसिलेशन पढ़ाए थे आपको, वो दो इधर ये बना के कि कभी सारी एनर्जी इसके पास उसके पास जीरो है, तो बताओ करंट मैक्सिमम कब होता है। करंट मैक्सिमम कब होगा? जब सारी की सारी एनर्जी किसके पास चली जाएगी, बोलो यार। करंट मैक्सिमम कब होगा? जब सारी एनर्जी किसके पास होगी? गर्वित आप बोल पा रहे हैं ये बताओ पहले तो, या अनम्यूट ही नहीं हो पा रहे हैं? हाँ जी गर्वित गुप्ता, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो एक बार ये बताओ, थोड़ा सा जवाब दो इधर कि आप लोग भी अपने आप को अनम्यूट खुद कीजिए, आप हो जाएंगे। आप ये बताएं कि किस समय यहां पर करंट मैक्सिमम होगा, जब करंट मैक्सिमम तब होगा जब सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर के पास आएगी, और जब सारी एनर्जी इंडक्टर के पास आएगी मैं उसको यू फाइनल बोलता हूं, उस वक्त यू इलेक्ट्रिकल तो जीरो हो जाएगी प्लस यू फाइनल, दैट इज हाफ इंटू एल इंटू आई मैक्स का स्क्वायर। अब बताओ मुझे आई मैक्स निकालना है, कैसे निकालूं इस सर्किट का आई मैक्स, जब रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो क्या हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं यहां? ठीक है, आपने इसकी वैल्यू पुट की हाफ इंटू एल, एल है 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 और इंटू आई मैक्स का स्क्वायर। आपको इन दोनों को इक्वेट कर लेना भाई, एनर्जी कंजर्वेशन सोल्व करके आप अपने आप निकालोगे कि आई मैक्स कैसे है। पहले बताओ अनडैम्ड एलसी ऑसिलेशन पे किस तरह के सवाल आते हैं, क्या ये बात समझ में आ गई है कि नहीं? एनर्जी कंजर्वेशन लगा के किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, क्लियर है सभी को ये वाला क्वेश्चन?
यस सर। ठीक है, अब सुनो, मैं आपको टोटल जैसे तीन क्वेश्चन में इस पे ले रहा हूं, एक में न्यूमेरिकल इस तरह का ले चुका हूं, एक मैंने आपसे एम्स वाला पूछा कि भाई उसमें ये आया हुआ है एम्स 2011 में, मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताऊं तो उस क्वेश्चन की क्या थी, व्हाट इज द एम्स 2011 का एक क्वेश्चन, व्हाट इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इन एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट, व्हाट इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इन एलसी ऑसिलेशन एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट, और ऑप्शन दिए हैं 1/L, 1/C, L/C एंड 1/LC, ये था सवाल जो आया था 2011 में, बताओ क्या आंसर आएगा? 1/C, हाँ वो L वाला नहीं आया, ये K वाला आया था, ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा मैंने एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया, ये आपका हो गया। अब तीसरा आप सुनो, मे बी ये HCB का हो या पता नहीं कहां से, इन LC ऑसिलेटिंग सर्किट, LC ऑसिलेटिंग सर्किट या डैम की हम बात ही कर रहे हैं जो भी हो रहा है, जब तक ना दिया जाए डैम्पिंग नहीं मान रहे हैं, ठीक है, द मैग्नेटिक एनर्जी, द मैग्नेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स विद, अब इसमें चार ऑप्शन है, मतलब इस तरह के तीन चार सवाल आ सकते हैं जो मैं आपको डैम अनडैम पे बता रहा हूं। पहला ऑप्शन जीरो फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ करंट, तीसरा ऑप्शन, आप सुनते चलो और गेस और ना बताते चलो, मैं पूछना चाह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी न्यू मैग्नेटिक एनर्जी, ये आपसे पूछा है, चार ऑप्शन आपको दे रहे हैं, पहला ऑप्शन है जीरो फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन है सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ करंट, जो भी करंट इसमें ऑसिलेट करेगा, तीसरा ऑप्शन है हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ करंट, एंड चौथा ऑप्शन है डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ करंट, बताओ क्या आंसर आएगा? कल हम आपको पढ़ा चुके हैं वैसे ये चीज, बोली हुई क्या आंसर आएगा? अब आंसर बता रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो, कल क्या पढ़ाया था, कल ग्राफ बताए थे, आप बताओ, कल मैंने एनर्जी के ग्राफ बताए थे, यस सर, तो मैग्नेटिक एनर्जी का ग्राफ डबल टाइम में पूरा होता है कि हाफ टाइम में पूरा होता है चार्ज और करंट से? भाई चार्ज और करंट के ग्राफ कुछ ऐसे जा रहे थे, एनर्जी का ग्राफ आपको ध्यान हो बस इतनी देर में हो रहा था, या फिर दूसरे वाला इतनी देर में हो रहा था बार बार, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक एनर्जी का ग्राफ हाफ टाइम में कंप्लीट हो रहा था कि डबल टाइम में? डबल में, इधर देखो, इधर देखो यार, कल ही तो बताया था ये करंट, मैंने ग्राफ ही ग्राफ बनाए थे कल, ये टाइम, करंट की साइकिल यहां पूरी होती है, चार्ज की साइकिल भी यही पूरी होती है, लेकिन एनर्जी की शेप कुछ इस तरह की बन रही थी या इस तरह की बन रही थी, एनर्जी की साइकिल तो यही पूरी हो रही थी, बार बार यही चीज रिपीट होने लग रही थी, तो आप बताओ एनर्जी के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड चार्ज और करंट के ऑसिलेशन के टाइम पीरियड से आधा था कि डबल था? फिर दोबारा बनाऊं क्या ये ग्राफ, इधर देखिए, फिर दोबारा बनाऊं ये ग्राफ, आपको कल जो पढ़ाया गया था चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ था और यूं गया था और यहां साइकिल कंप्लीट हुई थी, करंट वो जीरो से स्टार्ट हुआ था लेकिन फिर नीचे गया और यहां जाके साइकिल कंप्लीट हुई, ये इनका टाइम पीरियड था। उसके बाद हमारे चार्ज के अकॉर्डिंग चलती थी इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी यूई, जब चार्ज मैक्सिमम तो एनर्जी मैक्सिमम, चार्ज जीरो एनर्जी जीरो, फिर से चार्ज मैक्सिमम तो एनर्जी फिर से मैक्सिमम, अब बार बार यही साइकिल इनकी रिपीट होनी थी, ये की ये साइकिल रिपीट होनी थी, ये ऐसे ही अगर आप मैग्नेटिक एनर्जी की बात करते
मैग्नेटिक एनर्जी वो करंट के अकॉर्डिंग चल रही थी, करंट जीरो तो ये जीरो, अगेन करंट जीरो तो ये जीरो, और बीच में होगी मैक्सिमम, फिर दोबारा यही सेम चीज यहां रिपीट हुई थी। अब इन ग्राफ को देख के बताओ, इन ग्राफ को देख के बताओ कि जो चार्ज और करंट का टाइम पीरियड है, एनर्जी का टाइम पीरियड उससे आधा है कि डबल है। टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होती है, उसके बाद वो रिपीट होने लग गई। बोलिए, जो एनर्जी का जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका टाइम पीरियड, उसकी एक साइकिल पूरे होने का टाइम चार्ज और करंट के टाइम से आधा है या डबल है? बोलो यार, बोलो भाई, यहां से देखो कितना टाइम एक ही चीज में लग रहा है, बोलिए। हाफ है, हाफ है, बिल्कुल हाफ है, दिख रहा है, इनकी एक साइकिल यही पूरी होगी। कल ये बताया भी था कि टाइम पीरियड ऑफ एनर्जी इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ चार्ज या करंट। तो अगर टाइम पीरियड आधा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाफ होगी या डबल होगी? डबल, डबल। तो इसमें ये पूछा है कि जो मैग्नेटिक एनर्जी ऑसिलेट करती है वो करंट के ऑसिलेशन से, कौन सा आंसर आएगा बताओ इन एबीसीडी में से? फोर्थ, डी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछी होती तो भी फोर्थ, और यहां करंट की जगह चार्ज हो जाए तो भी यही आंसर है। लेकिन अब एक और सवाल मैं इसी में पूछता हूं, टोटल एनर्जी पूछ ले तो क्या आंसर आएगा? टोटल एनर्जी ऑसिलेट्स विद द फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर बताओ। टोटल एनर्जी कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, इसका आंसर आप दीजिए। बोले, टोटल एनर्जी का आपने कल ग्राफ बनाया था और वो टोटल एनर्जी वाला ग्राफ चेंज ही नहीं हो रहा था टाइम के साथ। जो टोटल एनर्जी का ग्राफ है वो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन चलता जा रहा था, ध्यान है कि नहीं? तभी तो एनर्जी कांस्टेंट थी टोटल, है ना भाई, याद है ना ये चीज? तो अगर कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होती है तो उसका टाइम पीरियड बोला जाता है इनफाइनाइट, कि वो रिपीट कब होगी? बोले इनफाइनाइट टाइम के बाद होगी, अभी तो शुरू ही नहीं हो रहा। तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताओ? टाइम पीरियड इनफाइनाइट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? जीरो। आया क्या समझ में? अगर आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाए कांस्टेंट डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो यही सेम ग्राफ, कांस्टेंट डीसी का टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? जीरो। अब ये बताओ, क्या आपको अनडैम्ड एलसी ऑसिलेशन पे किस तरह के सवाल बन के आ सकते हैं? क्या ये समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, एक हमने न्यूमेरिकल वैल्यू वाला लिया जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज किया, एक ये फ्रीक्वेंसी वाले ले लिए दो तीन सवाल, एक वो जो एम्स में आया वो कंपैरिजन वाला था, तो वो के और 1/c का आ गया, एल और एम का आ जाए, किसी का भी कंपैरिजन आ सकता है। तो शायद मैं मान के चलूं कि अनडैम्ड एलसी ऑसिलेशन क्लियर है आप सभी को, ठीक है। अब दूसरी बात, अब हम चलेंगे अपने फ्री लेकिन डैम्ड, मतलब ऑसिलेशन तो फ्री ही होंगे, हम फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। फोर्स मैंने आपको पढ़ा दिया एक बार, मैं रिपीट जरूर करूंगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, एनालिटिकल मेथड से। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशन। इसके लिए फ्री डैम्ड आरएमसी ऑसिलेशन, इस पे हम चलते हैं। मैंने आज आपके ग्रुप पे एक बच्चे के, आपकी क्लास से ही प्लस वन के, जो मैंने आपको प्लस वन में डैम्पिंग पढ़ाई थी उसके नोट्स शेयर किए हैं, क्या देखे हैं आपने? Yes, sir. तो मैंने तो उस दिन बोला था, तो एक बच्चे ने मुझे सेंड किया आपकी क्लास से ही, मैंने वो आपके ग्रुप पे शेयर कर दिए। वैसे आपके पास खुद के नोट्स होंगे कि नहीं उस चीज के? Yes, sir. है ना, तो एक बार वो रिवाइज कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि इसके साथ ही वो टॉपिक कवर हो रहा है उधर वाला। तो हमारा जो अगला टॉपिक है बताओ, फ्री ऑसिलेशन है कि फोर्स्ड ऑसिलेशन? अगले टॉपिक का बोलो, फिर मैं लिखूंगा। फ्री, लेकिन साथ ही साथ वो कैसे हैं? डैम्ड एलसी ऑसिलेशन, एलसी के साथ अब रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। फ्री है और डैम्ड है। सर, हाँ जी, ये चैप्टर कितना है? और ये वाला टॉपिक पूरा होने के बाद ट्रांसफॉर्मर हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। सुनिए, इस वीक, आज अभी कौन सा दिन हुआ है, आज कौन सा डे है?
ट्यूसडे भाई यार ये नहीं देखो, आज ट्यूसडे हुआ है ना शायद, क्या वेडनेसडे, कौन सा डे है आज, वेडनेसडे है सर, वेडनेसडे हो गया। तो आपका इस वीक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज हम ये आरएलसी सर्किट कवर कर रहे हैं और इसके बाद इसमें एक टॉपिक बचा है ट्रांसफार्मर, और एक टॉपिक होगा थोड़ा पैरेलल सर्किट्स का आइडिया हमें लेना है। पैरेलल आपके कम पूछे जाते हैं या नीट में कम, बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी एक क्लास में हम थोड़ा आइडिया लेंगे कि एंटी रेजोनेंस क्या होता है या पैरेलल क्या होता है उसका। तो इस वीक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद अगला चैप्टर है ईएम वेव। ईएम वेव भी एक अच्छा चैप्टर है लेकिन थोड़ा छोटा चैप्टर है, तो वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अपनी ऑप्टिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीक आपकी ऑप्टिक स्टार्ट हो जाएगी ईएम वेव कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, चलिए अभी इस पे आते हैं। फ्री डैम्ड एलसी ऑसिलेशंस विद सम रेजिस्टेंस। अब इसका जो इक्विवेलेंट है वो ये है कि जैसे आपने अभी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ा लेकिन उसमें आपने फ्रिक्शनलेस मान लिया था, अगर उस पे टेबल पे कोई फ्रिक्शन भी हो तो एनर्जी का कुछ ना कुछ पार्ट नष्ट हो रहा होगा और ये आपका डैम्ड ऑसिलेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, ये वाला काम आ जाएगा डैम्ड ऑसिलेशन की कैटेगरी में। मैं आपको अगर थोड़ा सा याद दिलाऊं, इसकी जनरल इक्वेशन होती थी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। आप अगर प्लस वन से देखेंगे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बीच में आती थी एक डैम्पिंग टर्म बी बाई एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। और यहां अगर कोफिशियंट वन है तो ये इसका एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो रिप्रेजेंट करती थी कि ये एक फ्री है और डैम्प्ड है इस तरह के ऑसिलेशन। अब ये फ्री और डैम्प्ड कहां से पता लगता है, देखो इक्वल टू में कोई टाइम वेरिंग क्वांटिटी नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इक्वल टू में जीरो है, तो ये तो बताता है कि ये कौन से ऑसिलेशन है, फ्री। और यहां पर जो डीएक्स बाई डी टी की टर्म आ रही है ये बताता है कि ये कौन से ऑसिलेशन है, डैम्प्ड। कल जो आपने फ्री ऑसिलेशन पढ़े आपको ध्यान होगा उसमें ये टर्म भी गायब थी, सीधी इक्वेशन बनी डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। जो कल वाले ऑसिलेशन थे उसमें हमारी इक्वेशन बनती है डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस वन बाई एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो मतलब फ्री और डी क्यू बाई डी टी टर्म ये मतलब अनडैम्प, और ओमेगा स्क्वायर सीधा कंपेयर किया वन बाई एल सी। ध्यान आ गया ना ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब ये जो डैम्प्ड और फ्री ऑसिलेशंस हैं इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है ओमेगा डैश, ये हमने प्लस वन में भी आपको बताया था कि यहां से ये जो ओमेगा डैश होता है ये ओमेगा पे भी डिपेंड करता है और बी वाले फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा का स्क्वायर माइनस बी बाई टू एम का स्क्वायर। लेकिन एक स्पेशल चीज थी कि फॉर स्मॉल डैम्पिंग b टेंड्स टू जीरो, और अगर आप b को जीरो करते हैं तो ओमेगा डैश जो होगा वो सीधा सीधा ओमेगा हो जाएगा, और जो ओमेगा आपका था दैट वाज उधर की मैं अगर बात करूं वो आएगा वन बाई अंडर रूट एल सी। तो ये शुरुआत करेंगे, अभी हम देखेंगे कि इक्वेशन कैसे बनी है, लेकिन ये इसकी मैं थोड़ा प्लस वन से रिवाइज करवा रहा हूं कि भाई ये जनरल इक्वेशन ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फॉर स्मॉल डैम्पिंग इसकी ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है, और जो इसका सॉल्यूशन बनता है जनरल सॉल्यूशन वो इस तरह का बनता है कि इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, एक्स इज इक्वल टू सम एक्स नॉट या ए भी आप बोल सकते हो, चलो मैं एक्स नॉट ही बोल देता हूं, ई रेज टू पावर माइनस बी टी बाई टू एम, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग टाइम पीरियड होता है, और इसके आगे साइन या कोस कुछ भी ऐसी टर्म बनके आ सकती है जो इसके सॉल्यूशन में आप लिखोगे, साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव नोट या कोस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव नोट, ये आपका है। और अगर स्मॉल डैम्पिंग है तो ओमेगा डैश और ओमेगा बराबर है। फिर इसका जो ग्राफ आप बनाते थे प्लस वन में, ग्राफ ऐसे बनता था कि टाइम के साथ जो एम्पलीट्यूड है, पहले मैं एक्स का बनाऊंगा, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो एनवलप का काम करता है, तो जो टॉप एम्पलीट्यूड है वो ये है और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, यूं ये डिक्रीज हो रहा है, और इसकी इक्वेशन है ये जो एम्पलीट्यूड बना, एम्पलीट्यूड की इक्वेशन है ए इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी टी बाई टू एम, एक इसका नीचे ऐसा ही कवर नीचे बनेगा
और अब इसके बीच में ये ओमेगा डैश फ्रीक्वेंसी के साथ साइनोसोइडल वेरिएशन आ जाते हैं, तो ये एनर्जी का या चार्ज का इस तरह से ऑसिलेशन चलता है जिसका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज होता चलता है। एक बार ये बताओ, कुछ थोड़ा बहुत ध्यान आया प्लस वन में इस तरह की चीजें पढ़ी हमने, डैम्ड ऑसिलेशंस, फ्री डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है। अब इसको हम आरएलसी की तरफ लेके आते हैं, आरएलसी सर्किट की तरफ। तो भाई आरएलसी में अगर आपको ये इक्वेशन डेराइव करनी हो, देखिए मैं इसको हटा रहा हूं, दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक एनर्जी से और एक केवीएल से। बताओ कुछ ध्यान है, दो तरीके बताए थे, एक तो टोटल एनर्जी लिख के डीयू बाई डीटी निकाल के, और दूसरा था केवीएल लगा के, उसमें भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों मेथड बताए थे कि कैसे एक एलसी ऑसिलेशन की ये इक्वेशन बनती है। तो अगर आप एनर्जी से लिखेंगे तो किसी भी समय जो एनर्जी होगी उस सर्किट में, चार्ज के पास तो होगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी, एंड करंट के पास होगी हाफ एल आई स्क्वायर, एट एनी इंस्टेंट ये एनर्जी है। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता, या अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो डी यू बाई डी टी जीरो होता। रेजिस्टेंस है तो इसलिए आई स्क्वायर आर लॉस लगातार होता रहेगा, आई स्क्वायर आर रेट से लॉस होता रहेगा। तो यहां आपको लिखना चाहिए कि डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अच्छा, पॉजिटिव लिख नहीं सकते, पॉजिटिव का तो मतलब हो जाता है कि एनर्जी बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि ये एनर्जी कम हो रही है। देखो अगर आर नहीं होता, अगर आर जीरो होता तो डी यू बाई डी टी कितना आ गया, जीरो आ गया। अगर आर नहीं होता तो डी यू बाई डी टी आपका जीरो आ गया, लेकिन आर है इस वजह से डी यू बाई डी टी होगा माइनस आई स्क्वायर आर। अब कल आपने डी यू बाई डी टी इसके लिए कैलकुलेट किया था, दोबारा से करते हैं कैलकुलेट, करवाना भाई इसका डी यू बाई डी टी कैलकुलेशन। डी यू बाई डी टी क्या होगा बोलो, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 1 बाई टू सी बाहर आया, क्यू स्क्वायर का 2Q इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस हाफ और L बाहर आया, आई स्क्वायर का 2i और इंटू डी आई बाई डी टी, ये बना डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो ये 2 से 2 गया, क्यू बाई सी डी क्यू बाई डी टी को हम i लिख सकते हैं, प्लस 2 से 2 गया, एक आई इसमें है, इंटू एल इंटू डी आई बाई डी टी, मैंने आई को कॉमन ले लिया, तो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई हमने कॉमन लिया और अंदर बचा क्यू बाई सी प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी। अगर आपको ध्यान हो कल भी किया था, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, हाँ जी आया समझ में, ठीक है। बस कल एक चीज थी कि डी यू बाई डी टी जीरो था और वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती, कल बस एक चीज थी कि डी यू बाई डी टी जीरो था और आपकी सेम वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती। कैसे देखो, मैंने इसको अंदर वाली चीज को एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो एल से मल्टीप्लाई किया तो आई इंटू एल ये तो बाहर आया, और एल से डिवाइड किया तो एक वो टर्म देखो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, और दूसरी टर्म बनी वन बाई एल सी और इंटू क्यू, और ये आ गया। अब अगर मैं इसे जीरो करता हूं तो क्या कल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है कि नहीं जो ऊपर लिखी हुई है, बताओ क्लियर है ये तो, ठीक है। लेकिन आज एनर्जी लॉस हो रहा है, अगर एनर्जी कम हो रही है तो टाइम के साथ उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा, तो डी यू बाई डी टी रेजिस्टेंस में पावर लॉस हो रही है, तो डी यू बाई डी टी होगा माइनस आई स्क्वायर आर, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। तो आज इसको जीरो नहीं करना, इसकी जगह कर देना, मिटा के लिख दूं मैं यहीं पे, समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, इसकी जगह आपको कर देना है माइनस आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू, ये एक आई से एक आई कैंसिल हो गया, इस आई को लिख लो डी क्यू बाई डी टी, ये जो आई है ये आपका हो गया डी क्यू बाई डी टी, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं ताकि बार बार मुझे ना लिखना पड़े, आप समझो इस चीज को, एक आई से एक आई गया, एक आई बचा, और जो एक आई बचा उसको मैंने लिख दिया डी क्यू बाई डी टी, इस एल को नीचे ले आओ तो ये आर बाई एल इधर आ गया, और इस टर्म को उधर ऐड कर दो तो देखो क्या इक्वेशन बनी, डी स्क्वायर क्यू, मैं इसके नीचे लिखता हूं जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ रही है, एक टर्म आई डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, उसका कोफिशियंट है वन, ये बीच वाली टर्म जाके जुड़ेगी प्लस आर बाई एल इंटू डी क्यू बाई
डीटी, और प्लस तीसरी टर्म है वन बाई एलसी इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो। पहले तो आप ये बताओ एनर्जी मेथड से कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी आ गई कि नहीं डैम्प्ड आरएलसी ऑसिलेशन की, क्लियर हुआ भाई सभी को? इसको ऊपर कंपेयर करो, ऊपर देखो इक्वल टू जीरो मतलब फ्री ऑसिलेशन है, और साथ में एक डी क्यू बाई डीटी की टर्म भी आ रही है, तो ये हमें बता रही है कि भाई साथ में क्या है इसमें डैम्पिंग है। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन बनी डैम्प्ड फ्री आरएलसी ऑसिलेशन की। क्या ये समझ में आ गया कि नहीं आया यहां तक, बोलिए। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से नहीं ला रहा हूं, आप केवीएल लगा के, मैंने कल बताया था कि इंडक्टर में एलडी आई डीटी, कैपेसिटर में क्यू बाई सी, करंट एक बार चार्जिंग मानो डिस्चार्जिंग, उसके अकॉर्डिंग आई लिखना है, डी क्यू बाई डीटी लिखना है कि माइनस डी क्यू बाई डीटी। एक एक्स्ट्रा टर्म हो उसमें ऐड होगी कि रेजिस्टेंस भी आप सर्किट में बनाओगे तो प्लस माइनस आई आर और आ जाएगा, तो ये सेम इक्वेशन ही वहां से भी आ जाएंगे, आप खुद ट्राई कर लेना। अब हम इसको समझते हैं, इसको देखते हैं यहां से कि क्या इसका ओमेगा डैश आया। पहली बात, इसका ओमेगा डैश कितना होगा, अंडर रूट, आज ही बताया था मैंने, ओमेगा का स्क्वायर मतलब 1 बाई एलसी माइनस आगे था बी बाई टू एम का स्क्वायर, तो क्या है बताओ, आगे था बी बाई टू एम का स्क्वायर, ये बी बाई एम था तो इसका आधा कर लो तो आर बाई टू एम का स्क्वायर। ये जो ऑसिलेशन होंगे चार्ज के या करंट के, उनकी असल में ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, बट फॉर स्मॉल रेजिस्टेंस जो अक्सर हम मान ही लेते हैं ये चीज, तो कि फॉर स्मॉल रेजिस्टेंस आर टेंड्स टू जीरो, एंड आर टेंड्स टू जीरो होगा तो इसका भी ओमेगा कितना हो गया, वन अपॉन अंडर रूट एलसी। क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब सुने, अगर आपसे पूछा जाए कि एक फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन है और एक फ्री अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, तो क्या दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की सेम होती है, क्या जवाब होगा बताओ? क्या दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सेम होगी या नहीं होगी? आपका जवाब यह है, अगर डैम्पिंग कम है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो सेम होगी, और नहीं तो डिफरेंट होगी। आ गया समझ में? ठीक है, दूसरी बात, इसका सॉल्यूशन क्यू इज इक्वल टू सम टाइम वेरिंग एम्पलीट्यूड जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा इनटू साइन ऑफ ओमेगा डैश पी प्लस कुछ भी फाइन आउट आप इनिशियल फेज मान सकते हो। अब यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा वो बताओ, यहां आएगा पीक वैल्यू कितनी थी कैपिटल क्यू इंटू एक्सपोनेंशियल ई रेस टू पावर, अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, आपको ध्यान हो तो ई रेस टू पावर क्या था बताएं, सॉल्यूशन लिखा था उसका, ई रेस टू पावर क्या लिखा था हमने, माइनस बीटी अपॉन टू, हाँ ई रेस टू पावर माइनस बीटी अपॉन टू एम, तो माइनस बी बाई एम, ये है बी बाई एम, बी बाई टू एम करोगे तो आर बाई ट्वेल्व आ जाएगा और इंटू टी। अभी बताओ क्या ये इक्वेशन समझ में आई, क्या एम्पलीट्यूड की क्या इक्वेशन बनी है? Yes, sir. ठीक है, और अगर एनर्जी की इक्वेशन लिखनी हो तो, अगर एनर्जी की इक्वेशन लिखनी हो जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी जब आप करेंगे तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे कैपिटल क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर कट जाएगी ई रेस्ट पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, टू से टू कटा, बाई टू सी इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा डैश पी प्लस फाइव। तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी है इनिशियल एनर्जी यू नॉट, क्यू स्क्वायर बाई टू सी है इनिशियल एनर्जी यू नॉट, तो अगर आप एनर्जी को देखेंगे तो ये बनेगा यू नॉट इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, और आगे वही टर्म है साइन स्क्वायर जो भी ओमेगा डैश पी प्लस फाइव। मतलब एक चीज जिस पर ध्यान जाना चाहिए कि जो चार्ज का ऑसिलेशन है उसमें तो एक्सपोनेंशियली आ रहा है ई रेस्ट पावर माइनस आर बाई ट्वेल्व इंटू टी, लेकिन जो एनर्जी का ऑसिलेशन है उसमें एक्सपोनेंशियली आ रहा है ई रेस्ट पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, तो दोनों में ये फैक्टर थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो गया है। बताओ आया क्या समझ में, क्या बताया मैंने, क्या ये डैम्प्ड आरएलसी ऑसिलेशन की इक्वेशन और ये पॉइंट क्लियर है आपको अभी?
ठीक है, इस पे एक सवाल लेंगे अभी हम, डैम्ड आरएलसी ऑसिलेशन पे एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो जैसे इसी तरह का कोई आरएलसी सर्किट दे दिया, मैं वैल्यू लेता हूं इंडक्टर विथ सम रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और इनको कैपेसिटर को चार्ज करके कनेक्ट करके छोड़ दिया, इस तरह से छोड़ दिया, और आपको वैल्यूज दी गई हैं कि इस सर्किट में L है 12 मिली हेनरी, L है 12 मिली हेनरी, और उसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1.5 ओम, ये हम एक सवाल ले रहे हैं, और जो कैपेसिटर है दैट इज 1.6 माइक्रोफेराड, ये दिया है। अब आपको ये बताना है कि कितने टाइम बाद जो एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज ऑसिलेशन है वो इनिशियल वैल्यू का 50% हो जाएगा, कितने टाइम के बाद चार्ज ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियल वैल्यू का 50% हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया समझ में? टाइम एट विच, ये आपको निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ क्यू बिकम्स 50%, ये सवाल आ गया इस डैम्ड आरएलसी सर्किट में, क्योंकि रेजिस्टेंस दिया है, बताइए कैसे करें। आप चार्ज का एम्पलीट्यूड देखो, चार्ज का एम्पलीट्यूड क्या इक्वेशन है, चार्ज के एम्पलीट्यूड की केवल एम्पलीट्यूड कैपिटल क्यू इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आर बाई टूएल इंटू टी, समझ में आया कि नहीं? आपसे पूछा है कि चार्ज का जो एम्पलीट्यूड है वो कितनी देर में 50% हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो जो चार्ज का एम्पलीट्यूड है उसमें हम चलें, तो मैं केवल एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज लिख रहा हूं, और उसकी इक्वेशन हमें याद रखनी होगी इस तरह के सर्किट में, क्यू इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस आर बाई टूएल इंटू टी। अब बोला है कि वो टाइम निकालो जब ये 50% हो गया, तो मान लो एट टी इक्वल टू टी नॉट जो एम्पलीट्यूड ऑफ क्यू है वो इनिशियल का 50%, अच्छा टी बराबर जीरो रखोगे तो इनिशियल है कैपिटल क्यू, तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ क्यू है वो 50% मतलब कितना कर देना आपको, क्यू बाई टू, भाई मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्यू है तो उसका 50%, तो आपने ये इसमें रखा क्यू बाई टू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आर बाई टूएल इंटू टी, क्यू से क्यू कैंसिल, इसको सीधा कर लो तो ई रेस्ट पावर आर बाई टूएल इंटू टी इज इक्वल टू टू, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए, तो ये आर टी बाई टूएल बाहर आ गया, एल एन ई वन हो जाएगा और ये एल एन टू, ये टी टी नॉट है वो टाइम जब आपको ये निकालना है, तो यहां से अगर आप टी नॉट देखते हैं तो टी नॉट आया ट्वाइस ऑफ एल एन टू इंटू एल बाई आर, क्वेश्चन में आपको एल दे रखा है, क्वेश्चन में आर दे रखा है, मिली हेनरी को कन्वर्ट कर, लॉग टू की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, एल एन टू कितना होता है, एल एन टू 0.6931, फॉर कैलकुलेशन आप उसे 0.7 लिख सकते हैं, ठीक है, एल एन टू जो होता है आप उसको 0.7 लिख सकते हैं, बाकी वैल्यूज आप पुट करके क्वेश्चन सोल्व करना, इसका आंसर आएगा नियरली 11 मिली सेकेंड, तो ऐसा नहीं है कि अनसोल्वेबल है, सोल्व ही नहीं हो पाएगा, आराम से सोल्व होगा, एल एन टू आप 0.7 रखेंगे, तो बता भाई ये सवाल आ गया कि नहीं आया समझ में, डेंट आरएलसी ऑसिलेशन पे। अगर मान लो इसमें चार्ज की बजाय ये बोला होता कि वो टाइम निकालो जब एनर्जी का ऑसिलेशन, सॉरी एनर्जी के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इनिशियल का 50% हो गया, तो कैसे करते, चार्ज की बजाय एनर्जी दी होती तो हम कहां से शुरुआत करते हैं एम्पलीट्यूड की, ये समझ में आया, अगर एनर्जी के एम्पलीट्यूड को 50% करना है तो हम ये यहां से शुरुआत करते हैं कि एनर्जी का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ एनर्जी ए ऑफ यू दिस इज इक्वल टू यू नॉट इंटू ई रेस्ट पावर, ये टू हट जाता नीचे वाला, अब एट टी इक्वल टू टी नॉट आपने माना कि जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियल का आधा हो गया, यू नॉट बाई टू, तो सब कुछ सेम चलता, बस ये यहां पे ये टू हट जाता, यहां भी ये टू नहीं होता, यहां भी ये टू नहीं होता, ये टू नहीं होता, यानी कि पिछली बार जो आंसर आया 11 मिली सेकेंड तो इस बार आंसर उससे आधा हो जाता है, यानी कि 5.5 मिली सेकेंड। तो अभी बताओ कि आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे कि नहीं, एम्पलीट्यूड किस तरह से चेंज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, किसका, करंट का और चार्ज का एक तरीके से होता है और एनर्जी का दूसरे तरीके से, बताओ भाई डैम्ड आरएलसी ऑसिलेशन आया समझ में? हाँ
हाँ जी बोलिए। ठीक है, डैम्प्ड आरएलसी ऑसिलेशन हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई किस तरह से हम ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, फिर मैं अगले टॉपिक पे चलूंगा, फोर्स्ड वाले पे, और उसको एनालिटिकल मेथड से लेके चलेंगे। आज हम ये आरएलसी वाला पार्ट फिनिश कर रहे हैं, आरएलसी वाला पार्ट बिल्कुल फिनिश कर रहे हैं आज की क्लास में। देखिए एक सवाल है कि आपको एक आरएलसी सीरीज सर्किट दिया गया है और एक कैपेसिटर को चार्ज किया क्यू नॉट से और फिर एलआर से कनेक्ट कर दिया और ग्राफ बनाना है टाइम के साथ एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज के स्क्वायर का। टाइम के साथ जो एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज है क्यू मैक्स, उसके स्क्वायर का ग्राफ बनाना है कि किस तरह का है। और दो अलग अलग सर्किट्स ले रखे हैं, एक में इंडक्टेंस है एल वन और एक में इंडक्टेंस है एल टू, और एल वन ज्यादा है एल टू से। दो अलग अलग सर्किट है, एक में इंडक्टेंस एल वन है एक में एल टू, एंड एल वन इज ग्रेटर देन एल टू। अब मैं आपको चार ऑप्शन देता हूं, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। दो अलग अलग सर्किट है, दोनों में इंडक्टर का फर्क है, एक में एल वन ज्यादा है एक में कम है, आरएलसी सर्किट है मतलब डैम्प्ड है। तो क्यू मैक्स एक बार देके छोड़ा है कैपेसिटर को, तो आपको यह बताना है कि क्यू मैक्स टाइम के साथ, केवल एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कैसे चेंज होगा। और जो इसमें पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ये कि भाई ये क्यू नॉट ही फिक्स रहेगा, चाहे आप एल वन ले लो चाहे आप एल टू ले लो, सर्किट में रेजिस्टेंस है। आप बताओ, मैं एक एक करके पूछूंगा क्या ये ऑप्शन सही है कि गलत है, बताइए क्या ये ऑप्शन सही है कि गलत है। क्या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा चार्ज का या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा? देखो सवाल ये है कि ये एक इंडक्टर L1 रेजिस्टेंस R, इसके पास भी कैपेसिटर लगा दिया कुछ चार्ज देके। एक दूसरा सर्किट है इंडक्टर L2 रेजिस्टेंस R और ये दूसरा कैपेसिटर लगा दिया कुछ चार्ज देके, इस तरह से दोनों में जो एम्पलीट्यूड है चार्ज का उसका ग्राफ देखना है, आर प्रेजेंट है सर्किट में। तो आप पहला सवाल ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज कांस्टेंट रहेगा या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, दोनों में जवाब दो। हाँ जी भाई बोलो, एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज कांस्टेंट रहेगा या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा दोनों में? डिक्रीज करेगा। तो क्या ये पहला ऑप्शन सही हो सकता है कि भाई क्यू नॉट कॉन्स्टेंट ही रह गया बस इतना इतना? तो ये no, तो sir. ये तो गलत हो गया। अच्छा जो दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है, जेई मेंस में आएगा क्वेश्चन है, जेई मेंस में तो नीट में भी आ सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, एक ऐसे है एक ऐसे है, इनमें कोई एक एल वन दे रखा है एक एल टू दे रखा है, क्या ये स्ट्रेट लाइन होते हैं कि कर्व होते हैं बताओ? एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है कि लिनियरली डिक्रीज करता है? एक्सपोनेंशियली। तो क्या ये वाले ऑप्शन सही हो सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन दिए हैं? No, नहीं। अब बचे दो ऑप्शन, दोनों एक जैसे हैं। अब आप बताओगे कि कौन सा सही होगा, मैं बताता हूं आपसे। दोनों के दोनों ऑप्शन यू दिखा रखे हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हुए, लेकिन एक बार एल वन यहां लिखा है एल टू यहां लिखा है, और एक बार एल टू ऊपर लिखा और एल वन नीचे लिखा है। अब आप बताओ कि ये तो हमें पता लग गया सेप तो यही होनी है, सेप तो यही होनी है, इनमें कौन सा L1 है और कौन सा L2 है, ऊपर वाला L1 है कि नीचे वाला L1 है, इस बात का पता लगाए, इस बात की जानकारी दें। क्यों की इक्वेशन क्या है, क्यों के एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या है? क्यों नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस आर बाई टू एल इंटू टी, यह है ना इसकी इक्वेशन, याद हो जानी चाहिए अब तो ये इक्वेशन। ठीक है, अब देखो डैम्पिंग फैक्टर ये है, e की पावर जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतनी जल्दी डिक्रीज होगा, e की पावर जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतनी जल्दी डिक्रीज होगा। ये फैक्टर बड़ा किसमें है, जब l बड़ा हो या l छोटा हो, ये फैक्टर बड़ा किसमें है, जब l बड़ा हो या l छोटा हो,
छोटा हो। एल जितना छोटा होगा ई की पावर उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी, तो उतनी जल्दी डैम्पिंग होगी, तो फटाफट एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा। तो अब बता दो भाई कौन सा एल वन है कौन सा एल टू, क्या मैंने सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं? सही है, सही है, बिल्कुल सही है। एल छोटा टू में है तो उसमें डैम्पिंग ज्यादा है, तो उसमें एम्पलीट्यूड जल्दी डिक्रीज होगा। असल में चार्ज और करंट तो इसके अंदर ऑसिलेट हो रहा होगा यूं, लेकिन ये एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है। तो अब आप बताएं कि आपको डैम्प्ड वाला पूरा सर्किट समझ में आ गया है कि नहीं, किस तरह से करना होता है? ठीक है, मैंने आपके इस पे दो तीन क्वेश्चन भी करवा दिए हैं जो आए हुए हैं उस तरह के से भी। एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, ये बात भी याद हो जाने चाहिए कि एक्सपोनेंशियली दोनों डिक्रीज करते हैं, एनर्जी भी, एनर्जी का एम्पलीट्यूड भी और चार्ज का एम्पलीट्यूड भी। चार्ज के एम्पलीट्यूड में आता है ई रेस पावर माइनस आर बाई टू एल इंटू टी, और एनर्जी के एम्पलीट्यूड में आता है माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये डिफरेंस है। तो चलिए अब फ्री ऑसिलेशन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, चार्ज के भी सॉरी विदाउट डैम्पिंग वाले भी डैम्पिंग वाले भी, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब मैं चलूं फोर्स्ड ऑसिलेशन की तरफ। अब देखो मैंने खैर ये सीपीपी आपको दिया नहीं, उसमें एक स्टेटमेंट लिखी थी, मैं एक बार वो पढ़ता हूं, वो स्टेटमेंट आप सुनना ध्यान से, शायद आपको ये समझ में आए। वंस स्टार्टेड, एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया, द चार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट, एक बार अगर आपने आईएलसी सर्किट को स्टार्ट कर दिया तो चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन बोथ अनडैम्ड एलसी सर्किट एंड डैम्ड आरएलसी सर्किट विद स्मॉल आर। देखो एक बार अगर आपने आरएलसी सर्किट को स्टार्ट कर दिया, करंट का, चार्ज का और जो चार्ज के अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तीनों का ऑसिलेशन दोनों सर्किट्स के लिए, एक तो अनडैम्ड के लिए जिसमें आर जीरो है और एक डैम्ड के लिए जिसमें स्मॉल आर है, ये लिखा गया है ऑसिलेट एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर वन अपॉन अंडर रूट एलसी। पहली बात बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, सुनो ध्यान से जवाब दो। एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया, चाहे क्यू का ऑसिलेशन हो, चाहे आई का हो, चाहे वी का हो, चाहे वो अनडैम्ड ऑसिलेशन हो और चाहे डैम्ड ऑसिलेशन हो विद स्मॉल आर, दोनों में ये चीजें एक फिक्स ओमेगा से ऑसिलेट करती है, दैट इज वन अपॉन अंडर रूट एलसी। बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बोलो। अरे जवाब दो ताकि तभी मुझे पता लगेगा ना आपको समझ में आया है कि नहीं आया। मुझे दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी क्या स्टेटमेंट? अरे फिर से सुन लो एक बार, लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूं आपके जवाब देना है। एक आरएलसी सर्किट में चाहे आप अनडैम्प्ड वाला ले लो जिसमें आर जीरो है, चाहे आप डैम्प्ड वाला ले लो लेकिन स्मॉल आर है, दोनों में अगर एक बार आपने चार्ज देके स्टार्ट कर दिया ऑसिलेशन, तो चार्ज का, करंट का और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर है, उन तीनों का ऑसिलेशन एक ही ओमेगा पे होता है, वन अपॉन अंडर रूट एलसी। ये बात सही है कि गलत है, अब बोलो। सही है, आगे सुनो। सच ऑसिलेशंस आर सेट टू बी फ्री ऑसिलेशंस बिकॉज दे आर फ्री ऑफ एक्सटर्नल ईएमएफ। इन ऑसिलेशंस को बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन क्योंकि बाहर से कोई ईएमएफ नहीं लगाया है, एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज सेट टू बी सर्किट्स नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। शायद ये बात भी क्लियर होगी होगी, अगर आपने बाहर से कोई एक्सटर्नल ईएमएफ नहीं दिया है तो इनको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन, और इस वक्त जो फ्रीक्वेंसी है उसे बोलते हैं सर्किट की नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर होगी होगी ये बात भी, ठीक है। अगली स्टेटमेंट, व्हेन एक्सटर्नल अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज कनेक्टेड, जब आप बाहर से कोई एक्सटर्नल ईएमएफ कनेक्ट करेंगे, जब आप बाहर से कोई एक्सटर्नल ईएमएफ कनेक्ट करेंगे, द ऑसिलेशंस आर कॉल्ड ड्राइवन और फोर्स्ड ऑसिलेशन। अगर आपने बाहर से कोई सोर्स लगा दिया जिसका कुछ ईएमएफ होगा, जो हमने पहले पढ़ लिया आरएलसी, तो उनको बोलेंगे फोर्स्ड या ड्राइवन ऑसिलेशन। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ना? अगर नीचे बैटरी सोर्स लगा हो, बैटरी नहीं हो, अल्टरनेटिंग सोर्स, तो वो फोर्स्ड या ड्राइवन ऑसिलेशन होते हैं। उसके बाद सुनो, व्हाटएवर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट मे बी, चाहे सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, फोर्स्ड ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट ऑलवेज अकर एट द ड्राइविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल ईएमएफ। ये कहता है अगर आपने एक बार बाहर से सोर्स लगा दिया, तो अब चाहे सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, जो करंट, चार्ज, इन लोगों का, इन चीजों का जो ऑसिलेशन होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, बल्कि जो सोर्स की ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो होगी। तो शायद अब तो ये इस तरह की बातें कई बार रिपीट हो चुकी, क्या बड़े अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गई होंगी कि क्या है क्या नहीं, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं ताकि हम ये आरएलसी सीरीज वाला पार्ट फिर अपना फिनिश कर पाए, क्योंकि हमने आरएलसी काफी पढ़ लिया है। अब आरएलसी पे दोबारा लौट के चलते हैं। दोबारा क्यों लौट के चलते हैं, इसका रीजन, हमने फ्री पढ़ा, उससे पहले फोर्स पढ़ लिया था, लेकिन तब पढ़ा था फेजर मेथड से। एक चीज मैंने बता के रखी थी कि जो हम ताकि एक सीक्वेंस में हम पढ़ लें, फ्री अनडैम्ड हो गया कल की क्लास में, आज पहले घंटे में हो गया फ्री डैम्ड, और अब जो हम पढ़ रहे हैं फोर्स्ड आरएलसी ऑसिलेशंस, और हम जो यहां स्टडी कर रहे होंगे फेजर मेथड नहीं, केवीएल लगा के, फेजर मेथड नहीं, बल्कि हम कौन सा पार्ट स्टडी कर रहे होंगे, एनालिटिकल मेथड, जिसमें एनर्जी वाले तरीके से मैंने आपको पीछे बताया था, लेकिन वो फ्री था। अब मैं फोर्स पे गया हूं तो मैं केवीएल लगा के, लेकिन साथ में एक सोर्स लेके चलेंगे और सोर्स के अकॉर्डिंग हम देख रहे होंगे कि भाई क्या होगा कैसे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आपने एक रेजिस्टेंस लिया, एक इंडक्टेंस लिया, एक कैपेसिटेंस लिया, आर एल और सी लिया, लेकिन फ्री ऑसिलेशन नहीं छोड़े, आपने बाहर से एक सोर्स लगाया जिसकी की इक्वेशन होगी V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। मान लो किसी वक्त ये प्लस ये माइनस किसी समय, और ये वोल्टेज V, और ये करंट ऐसे चला, ये करंट ऐसे आया, मैं कहता हूं कि चार्जिंग हो रही है, और यहां क्यों चार्ज है और यहां माइनस क्यों, और चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग हो रही है, तो मैं आई को लिख पाऊंगा डी क्यू बाई डी टी। आप एक बार इसमें केवीएल की इक्वेशन लगाओ, लगाओ इसमें केवीएल, फिर हम देखते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं। इस सर्किट में आप केवीएल की इक्वेशन लिखिए और फिर उसके बाद हम देख रहे होंगे कि क्या होना है। हमें लगाई क्या केवीएल इक्वेशन, अरे बोलो केवीएल की इक्वेशन लगा चुके हो आप, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग बिल्कुल भी रिस्पोंड नहीं कर रहे हो, जल्दी देखो आखिरी 15-20 मिनट है, इधर देखिए केवीएल की आप इक्वेशन लगाओगे तो यहां प्लस माइनस आई इंटू आर, यहां पे प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी, और यहां पे प्लस माइनस क्यू बाई सी, और अब मैं उसमें घूम रहा हूं केवीएल की इक्वेशन लेते हुए। पहली एंट्री माइनस से तो प्लस का वी, और वी है वी एम साइन ओमेगा टी, दूसरी एंट्री प्लस से तो माइनस आई आर, तीसरी एंट्री प्लस से तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, एंड चौथी एंट्री प्लस से तो माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो। आप मुझे एक बार ये बताओ कि आपको केवीएल इक्वेशन समझ में आ गई कि नहीं, कैसे लगाइए, पहली बात इस बात का जवाब दीजिए, ठीक है। अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो इन तीनों टर्म्स को उधर भेज दो, तो ये बना वी एम साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा ओमेगा ड्राइविंग है, ये ओमेगा जो है वो ओमेगा ड्राइविंग है, सोर्स का ओमेगा इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म में ये लिख रहा हूं एल इंटू डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी को मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, शायद आपको आ गया होगा समझ में। सेकेंड टर्म में ये लिख रहा हूं आई इंटू आर, और इसको मैं उधर लिख सकता हूं आर इंटू डी क्यू बाई डी टी, और थर्ड टर्म में लिख रहा हूं वन बाई सी इंटू क्यू इज इक्वल, बस ये हो गया। अब आप क्या करो, दोनों साइड एल से डिवाइड कर दो, मैं अगर दोनों साइड एल से डिवाइड करूं तो पहले मैं उधर वाली चीजें लिखता हूं, तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, एल से डिवाइड किया मैंने दोनों साइड, प्लस आर बाई एल इंटू डी क्यू बाई डी टी, प्लस वन बाई एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू वी एम बाई एल इंटू साइन ओमेगा ड्राइविंग। भाई ये एक इक्वेशन बनी इसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन,
आप बताओ अभी पिछला टॉपिक पढ़ के आए फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशंस, पिछला टॉपिक अभी हम पढ़ के आए फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशंस, उस इक्वेशन और इस इक्वेशन में बस एक फर्क है, वो फर्क बता दीजिए कि क्या है। उस इक्वेशन और इस इक्वेशन में एक ही डिफरेंस है, आप वो डिफरेंस बता दीजिए क्या है। इक्वल टू जीरो। अब पहचान गए होंगे डैम्पिंग भी है आर बाई एल भी है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाली टर्म है ओमेगा स्क्वायर 1 बाय एलसी, लेकिन इक्वल टू जीरो ना होके एक एक्सटर्नल सोर्स है तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है। अगर ये नेचुरल ऑसिलेशन होता तो इस फ्रीक्वेंसी से होता, ओमेगा होता 1 बाय रूट एलसी स्मॉल आर के लिए, लेकिन फोर्स्ड ऑसिलेशन है तो उससे नहीं होगा बल्कि किससे होगा, ओमेगा ड्राइविंग से होगा। क्या ये इतनी बात आई क्या समझ में? ठीक है, अब तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई क्या चल रहा है, कहां फ्री है, कहां फ्री अनडैम्ड है, कहां फ्री डैम्ड है, और अब क्या आके ऐड हो गया। अब ये पार्ट मैंने क्यों बचा के रखा था, मैं आपको फोर्स्ड आरएलसी पूरा करवा चुका, रेजोनेंस भी उसमें पढ़ चुके हम, क्वालिटी फैक्टर भी पढ़ चुके, सारा कुछ देख चुके, एक चीज बचा के रखी थी कि एक बार एनालिटिकल तरीके से इसका सॉल्यूशन दोबारा बताएंगे, लेकिन अब वो सही समय है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप फ्री डैम्ड पढ़ के आए हो, अब आपको फोर्स्ड समझ में आ गया है कि एक चेंज आया और वो आगे ऐड हो गया। क्या क्लियर हो गया यहां पर? ठीक है, सॉल्यूशन इसका सेम होगा जो आपने फेजर मेथड से कभी निकाला है वही एनालिटिकल मेथड से होगा, फिर भी हम आपको एक बार एनालिटिकली सोल्व करके दिखा देते हैं, बिकॉज हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ये आरएलसी सर्किट आ जाए और कहीं वो अलग से ना लिख के दे दे कि सोल्व इट एनालिटिकली, वो लिख के दिया जा सकता है, तो आपको एनालिटिकली करना हो तो फेजर से नहीं, पहले आपको ये इक्वेशन बना के दिखानी पड़ेगी। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर बोर्ड में आता है तो ये इक्वेशन जब बनाते तो बड़ा क्लियर करो कि दिस इज द डैम्पिंग टर्म, ये डैम्पिंग टर्म है, दिस इज द एक्सटर्नल टर्म कि भाई ये फोर्स्ड ऑसिलेशन हुआ, दिखाओ उसमें कि भाई ये क्या है, और ये नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाली टर्म है, इस तरह से क्लियर करना है और इसका कोएफिशिएंट 1 रखना है, इस बात का ध्यान रखना। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन सोल्व कैसे करते हैं, लेट जो चार्ज का ऑसिलेशन है वो हम मानेंगे कि कुछ भी क्यू की मैक्सिमम वैल्यू, चाहे आप स्मॉल क्यू मानो चाहे कैपिटल क्यू मानो, मैक्सिमम वैल्यू इंटू साइन ऑफ, यहां बताओ कौन सा ओमेगा आएगा, ओमेगा ड्राइविंग आएगा कि ओमेगा नेचुरल आएगा, कौन सा ओमेगा आएगा इसके ऑसिलेशन में, बोलो भाई, ड्राइविंग। तो मैंने माना कि दिस इज साइन ऑफ ओमेगा ड्राइविंग टी प्लस फाइन ऑफ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मैथमेटिकल तरीका है, परंतु फिजिक्स में हमें आना चाहिए फॉर बोर्ड एग्जाम। वैसे तो मैं आपको फेजर से पूरा तरीका बता चुका, इवन हमने रीडिंग भी लेनी सीख ली, वो काम मैं पहले करवा के आ चुका हूं, तीनों पे वोल्ट मीटर लगाया, दो दो पे वोल्ट मीटर लगाया, एक एक पे वोल्ट मीटर लगाया, एमीटर लगाया, तो इनके क्वेश्चन तो हम सीख चुके। बट फॉर बोर्ड एग्जाम अगर फेजर नहीं आए और बोल रहे एनालिटिकल मेथड से आए तो आपको कैसे सॉल्यूशन करने है, बस वो सीख लीजिए, इसके साथ हमारा आरएलसी सीरीज पूरा हो जाएगा। अब क्यों आपने एज्यूम किया, पहले आप यहां से आई निकाल लो डी क्यू बाई डी टी, बोलिए भाई डिफरेंशिएशन बोलिए इसका क्या होगा, ये जो आपने टर्म मानी है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का क्या होता है, कोस, तो ये क्यू एम इंटू कोस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाइ नॉट, साथ में इसका फिर से करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में चेन रूल, जब इसका टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली ओमेगा डी आएगा और वो ओमेगा डी हमने बाहर लगा दिया। बताओ ये पहली टर्म आई समझ में, कैसे डिफरेंशिएशन किया, डी क्यू बाई डी टी होता है आई, तो मैं इसको लिख सकता हूं आई बराबर आई एम कोस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाइ नोट, वेयर आई एम इज इक्वल टू, वेयर आई एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा डी, आई एम आपका है क्यू एम इंटू ओमेगा डी, यहां तक आ गया, लेकिन मुझे तो इसमें डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर भी चाहिए। हम करते क्या है एनालिटिकल मेथड में एक इक्वेशन मान लेते हैं सॉल्यूशन की, और डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का तरीका होता है उसको वापस पुट करके फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आई भी आ गया, डी क्यू बाई डी टी भी आ गया, एक टर्म होती है डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, तो इस आई का फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन करो ताकि डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर आए, तो मैंने यहां से निकाला डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, बोलिए क्या होगा, आई एम बाहर है, आई एम मतलब क्यू एम इंटू ओमेगा डी, कोस का क्या होता है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइ नोट, और साथ में इसका दोबारा से करेंगे तो ओमेगा डी और आएगा, और अगर आप आई एम की वैल्यू रखते हैं क्यू एम इंटू ओमेगा डी, तो मेरे पास ये आ गया डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस
क्यूएम इंटू ओमेगा डी का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाइव। ये तरीका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का। आपको क्यों पता है, आपने डी क्यू बाई डी टी निकाल लिया और आपने डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर निकाल लिया, और अब तीनों इसमें पुट करेंगे और फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि क्या है। करें ना, ये 10 मिनट है हमारे पास, 10 से 15 मिनट, और ये आज का आखिरी काम है। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल काम है, बट फॉर बोर्ड एग्जाम आपको ये आना चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो फेजर से ही न्यूमेरिकल हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको जरूर आना चाहिए, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा ये वाला मेथड। अब देखो, आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, तो चलिए इसमें सारी वैल्यूज आप पुट करवाइए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसकी सारी वैल्यूज आप पुट करवाइए। पहली टर्म डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर क्या है उसकी वैल्यू, माइनस क्यू एम ओमेगा डी का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाइव। आप बताओ फर्स्ट टर्म आई समझ में? देखो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो ये वाला मेथड फिर आपको बहुत अजीब लगेगा। ये पहली टर्म यहां रखी, क्या समझ में आ गई है कि नहीं, कैसे रखा है? ठीक है, प्लस सेकंड टर्म आर बाई एल, जिसका ये सॉल्यूशन है हम उस इक्वेशन में वापस पुट कर रहे हैं चीजें, वन बाई एल आर बाई एल इंटू डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी आपका ये है, डी क्यू बाई डी टी आपका ये है, तो अगली टर्म बनेगी आर बाई एल इंटू क्यू एम इंटू ओमेगा डी इंटू कोस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाइव नोट, ये सेकेंड टर्म। अब चलिए थर्ड टर्म पे, थर्ड टर्म पे है वन बाई एल सी इंटू क्यू, थर्ड टर्म आपकी है, मैं इनको हटा रहा हूं, ये नीचे वाला सारा हम पुट कर चुके हैं। थर्ड टर्म है वन बाई एल सी इंटू क्यू, तो क्यू ये लिखाई हुआ है आपके पास, तो तीसरी टर्म बनेगी प्लस वन अपॉन एल सी इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू है क्यू एम साइन ओमेगा ड्राइविंग टी प्लस फाइव नोट, बराबर बराबर में एक और टर्म उधर वी एम बाई एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा ड्राइविंग टी। एक बार आप ये बताओ, क्या ये बड़ी सी जो हमने इक्वेशन बनाई, क्या आपको ये समझ में आई कि नहीं, कैसे लिखिए? हाँ भाई बोलो, क्या ये इक्वेशन पूरी समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, अब सुनो इसको सोल्व करते हैं, मैथमेटिकल काम इसको सोल्व करते हैं। इन तीनों टर्म्स में से आप क्यूएम इंटू ओमेगा डी कॉमन ले लो, क्यूएम इंटू ओमेगा डी, किसी में नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों कॉमन लिया? क्यूएम इंटू ओमेगा डी था आईएम, ये आपने अभी मैंने मिटाया है, जो वो जो आईएम वहां था आई की वैल्यू में, वो क्यूएम इंटू ओमेगा डी वो आईएम था, वो मैंने कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में क्या बचा? फर्स्ट टर्म में बचा एक तो माइनस, एक ओमेगा ड्राइविंग, एक साइन ऑफ ओमेगा ड्राइविंग टी प्लस फाइव नोट, ये आपका बचा पहली टर्म में। दूसरी टर्म में क्या बचा? क्यूएम इंटू ओमेगा ड्राइविंग कॉमन ले लिया, आर बाई एल इंटू कोस ऑफ ओमेगा ड्राइविंग टी प्लस फाइव नोट। तीसरी टर्म में क्या बचा? ओमेगा ड्राइविंग था नहीं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और क्यूएम इंटू ओमेगा ड्राइविंग कॉमन गया, तो ये तीसरी टर्म में बचा वन अपॉन ओमेगा ड्राइविंग एल सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा ड्राइविंग टी प्लस फाइव नोट, एंड दिस इज इक्वल टू वी एम बाई एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा ड्राइविंग टी। भाई एक एक स्टेप पे मुझे पूछना पड़ेगा, लंबे लंबे स्टेप चल रहे हैं, क्या आपको ये वाली इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई, कैसे बनी है? yes. ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखो, अब हम यहां पे किसी तरह से एक्ससी और एक्सेल बनाने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से यहां पे एक्ससी और एक्सेल बनाने की कोशिश करेंगे। एक आर वाली टर्म है उसको तो अलग रखो, एक काम करो उधर का जो एल है उस एल को इधर ले आओ मल्टीप्लाई कर दे। देखो मैं यही इसी स्टेप में करता हूं, बार बार मुझे इतना नहीं लिखना पड़ेगा, मैं इस एल को इधर ले आया मल्टीप्लाई करने, तो इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो इसका एल गायब, इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो इसका एल गायब, और इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा डी इंटू एल अलग बन गया। क्या ये स्टेप आया आपको समझ में? बोलते रहो तभी तो मेरी हिम्मत बनेगी आगे बढ़ने की। ठीक है, अब ये ओमेगा ड्राइविंग इंटू एल, क्या मैं इसे एक्सएल लिख सकता हूं? और वन अपॉन ओमेगा ड्राइविंग इंटू सी, क्या हम इसे एक्ससी लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, मैं दोबारा पूरा स्टेप लिखने की बजाय उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, मैं मिटा के यही लिखूंगा। आगे आपको समझ में?
ठीक है। तो ये देखो, ये जो स्टेप बना यहां बन गया माइनस एक्सएल, और ये बना ऊपर ही आएगा एक्ससी प्लस वन बाई ओमेगा डी सी को आपने लिख दिया एक्ससी, तो प्लस का एक्ससी। अब आप इस टर्म में और इस टर्म में देखो, क्या साइन वाली टर्म सेम है दोनों में? यस सर, है ना। इट मींस आपका साइन कॉमन आ जाएगा। तो देखो मैं अगला स्टेप लिख देता हूं, क्या हुआ एम इंटू ओमेगा डी आपका था आई एम, आप चेक कर सकते हो जो डी क्यू बाई डी टी की इक्वेशन आई उसमें आई लिखा था, तो ये आई एम था। एक टर्म तो ये है आर इंटू कोस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाई नोट, और दूसरी दोनों टर्म्स में से साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाई नोट मैंने कॉमन लिया, तो ये बच गया एक्स सी माइनस एक्सएल, और बराबर चल रहा है वी एम साइन ओमेगा ड्राइविंग टी। यह हम ही बोलिए, ये यहां तक क्लियर हो गया? हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पहले अज्यूम किया फिर उनको वापस पुट कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व होती है। बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो एक्स सी माइनस एक्सएल को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स। और वो एक्स सी माइनस एक्सएल क्यों है, उसका कारण है आपने करंट को लीडिंग करंट मान लिया है, आपने सॉल्यूशन एज्यूम किया था, खुद एज्यूम किया लेट क्यू इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई नोट, आप खुद लीडिंग चार्ज और लीडिंग करंट मान के चल रहे हैं। तो करंट लीड कब करता है वोल्टेज से? जब एक्ससी बड़ा हो या एक्सएल बड़ा हो? एक्ससी। इसीलिए जो एक्स है वो बना है एक्ससी माइनस एक्सएल। तो इसी स्टेप में मैं इसको एक्स लिख रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू एक्ससी माइनस एक्सएल, तो ये आपका हो गया एक्स। अब देखो साइन ऑफ समथिंग है कोस ऑफ समथिंग है, इसको इकट्ठा करने का तरीका यह होता है कि अगर यहां ए है यहां बी है तो आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। मैंने जब एसी स्टार्ट किया कई दिन पहले, कुछ दिन पहले, तो उसमें एक तरीका सिखाया था कि अगर अल्टरनेट एक्सप्रेशन आ जाते हैं करंट के तो उनसे करंट का तरीका कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी और यहां भी, तो ये तो डिवाइड हुआ तो साथ में इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आई एम इंटू अंडर, या फिर दोनों साइड डिवाइड कर दो, दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो यहां भी आपका हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ ये आया क्या समझ में यहां तक? यस सर। ठीक है। अब एक इंपीडेंस डायग्राम आप फिर से सोचिए जो वहां बनाते थे, ये आर है ये एक्स है और ये है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम बोल दिया करते थे जेड, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जिसको हम बोल देते हैं जेड बोल देते हैं, और इसको आप अलग अलग कर दो आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इन चीजों को आप अलग अलग कर दो। अब ये जो एंगल है, अब फाइन आउट तो आप पहले एज्यूम करके चल रहे हैं, इस एंगल को कुछ भी आप अल्फा बोल दो, इस एंगल को मैंने अल्फा बोला, तो आप बताओ इधर बनेगा आर अपॉन अंडर रूट दिस कोस अल्फा की साइन अल्फा, बोलिए कोस अल्फा। तो यहां तो ये फिट हो गया कोस अल्फा, उसमें बताओ एक्स अपॉन अंडर रूट वही क्या बनेगा साइन अल्फा, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बन गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट इज कोस ऑफ ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी इज कोस ऑफ ए माइनस बी, आप इसको ए बोल दो इसको बी बोल दो, सिमिलरली इसको ए बोल दो एंड इसको बी बोल दो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कोस ऑफ ए माइनस बी, तो ये आपका बना आई एम इंटू कोस ऑफ ओमेगा ड्राइविंग टी प्लस फाई नोट माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू वी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा ड्राइविंग इंटू टी। तो आप यहां तक पहुंच गए, अब मुझे कंपेरिजन करना है, अब मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे केवल और केवल कंपेरिजन करना है, तो आई एम तो सीधा दिख रहा है, बताओ यहां से आई एम कितना आ रहा है, इस इक्वेशन से कंपेयर करो एक बार, कोस और साइन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, चलो पहले कन्वर्ट ही कर देते हैं, इधर कोस है तो उधर भी कोस बनाओ, तो साइन ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं कोस 90 माइनस ओमेगा टी, क्या इस साइन ओमेगा टी को मैं कोस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिख पाऊंगा कि नहीं, बताओ? अगर इसको कोस बनाना है कंपैरिजन के लिए
तो ये बन जाएगा पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब करो आप कंपैरिजन, अब करो आईएम की वैल्यू कितनी आई बताओ, देख के बताओ दोनों साइड आईएम कितना आ रहा है। Vm by under root r square plus x square, यानी कि z। तो हमें पहला रिजल्ट मिला Im is equal to Vm by z। ये बड़े आसानी से हमने फेजर मेथड से निकाल लिया था कभी, बहुत आसान तरीके से फेजर एडिशन से, ध्यान है कि नहीं? Yes। फेजर आसान है कि ये एनालिटिकल मेथड आसान है, बताओ एक बार कौन सा आसान लगता है आपको? फेजर आसान है, लेकिन ये बस इसलिए करवाया है आज की एनसीईआरटी बुक में दिया होगा तो कहीं बोर्ड में बोर्ड एग्जाम में ऐसा ना आ जाए कि आरएलसी सर्किट को एनालिटिकली सोल्व करो, तो आपको ये करना आना चाहिए। दूसरी बात, इसमें हमने ये भी सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन उसी कैटेगरी की बनती है जैसी फ्री डैम्प्ड की थी, इक्वल टू जीरो की बजाय एक टर्म आ गई। और तीसरी बात, उसको सोल्व कैसे करते हैं, चलो कुछ तो पता लगा। तो पहली बात तो आपको ये पता लग गया, दूसरी बात अब वो फेज एंगल और कंपेयर कर देते हैं उधर से। तो इधर ओमेगा डी टी के आगे लिखा है फाई नॉट माइनस अल्फा, लेकिन उधर उसको भी पॉजिटिव बनाओ, उसको भी पॉजिटिव बनाओ। आप कैसे बनाएंगे भाई, कोस के अंदर से आप माइनस कॉमन भी ले सकते हो तो बाहर नहीं जाता है, पता है ना आपको? कोस के अंदर से अगर आप माइनस कॉमन भी ले लेते हो तो बाहर नहीं जाता है। तो आप ये लिख सकते हो कि कोस पाई बाई टू माइनस ओमेगा ड्राइविंग टी इज इक्वल टू कोस ऑफ ओमेगा ड्राइविंग टी माइनस पाई बाई टू, बात एक ही है। तो मैंने इसको लिख दिया कोस ऑफ ओमेगा ड्राइविंग टी माइनस पाई बाई टू। अब आप कंपेरिजन करो, इधर कोस के आगे जो टर्म है और उधर कोस के आगे जो टर्म है उन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। इधर जो कोस के ओमेगा डी के आगे टर्म है दैट इज थीटा नॉट माइनस अल्फा, तो थीटा नॉट माइनस अल्फा इज इक्वल टू, उधर बताओ कितना है, थीटा नॉट माइनस अल्फा उधर कितना है, माइनस पाई बाई टू। तो ये हम एक कंपेरिजन निकाल के लाए और यहां से थीटा नॉट कितना आ गया, थीटा नॉट इज कमिंग आउट टू बी माइनस पाई बाई टू प्लस अल्फा। आपका थीटा नॉट निकल के आया माइनस पाई बाई टू प्लस अल्फा। अब आप बताओ आपने शुरू में चार्ज क्या एज्यूम किया था, इसका जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे थे तो शुरू में आपने चार्ज की इक्वेशन क्या एज्यूम की थी कि जिससे आप इसको सोल्व करने लगे थे, क्या बराबर क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। तो हमारी इक्वेशन आई क्यू इज इक्वल टू क्यू एम साइन ऑफ ओमेगा ड्राइविंग टी प्लस थीटा नोट की जगह आ गया माइनस पाई बाई नोट पाई बाई टू प्लस अल्फा। ये आपकी लास्ट लास्ट स्टेप चल रहा है, अब ये आपकी इक्वेशन बनी यहां पे। अब इसको अगर आप लिखना चाहो साइन या कोस की तरह, पहली बात करंट की इक्वेशन क्या बनी थी, करंट की इक्वेशन यहां से चाहिए तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, आई इज इक्वल टू एक ओमेगा डी बाहर आएगा क्यू एम इंटू ओमेगा डी, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस, तो कोस ऑफ ओमेगा डी टी माइनस पाई बाई टू प्लस अल्फा। देखो लास्ट स्टेप है, ओमेगा क्यू एम इंटू ओमेगा डी को हमने आई एम लिखा था, क्यू एम इंटू ओमेगा डी को हमने आई एम लिखा था, तो आई बराबर आई एम इंटू कोस ऑफ ये बना ओमेगा डी टी प्लस अल्फा माइनस पाई बाई टू। कोस में से आप माइनस बाहर ले लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम इंटू ये बन जाएगा कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा डी टी प्लस अल्फा, एंड कोस पाई बाई टू माइनस अल्फा क्या होता है, कोस पाई बाई टू माइनस समथिंग साइन हो जाएगा। तो करंट की इक्वेशन आ गई आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस अल्फा। अब एक बार एक लास्ट स्टेप आप ये चेक करो कि ये फेजर वाला ही सोल्यूशन आ गया, ये फेजर वाला ही सोल्यूशन हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था इंपेडेंस डायग्राम, इसको R बोला था, इसको X बोला था जो हुआ था XC माइनस XL, इसको Z बोला था और ये एंगल हमने अल्फा बोला था क्योंकि फाई नोट कुछ और बोल रखा था। XC ग्रेटर देन XL का मतलब है कि XC बड़ा है। आप बताओ अगर V बराबर Vm साइन ओमेगा T लगाते हो तो फेजर मेथड आपको यही सोल्यूशन देता है कि नहीं? अगर v बराबर vm इंटू टी आप इसको फाई नोट बोलते थे तो करंट थोड़ा सा फाई नोट आगे कर देते हैं, करंट थोड़ा सा फाई नोट आगे कर देते हैं और जो पीक वैल्यू वैसे निकलती थी vm बाई जेड से। मतलब जो रिजल्ट आपका फेजर सॉल्यूशन से आना है वही रिजल्ट आपका एनालिटिकल सॉल्यूशन से आना है। भाई एक बार बताना ये समझ में आया ये स्टेप, ये जो सॉरी ये मेथड एनालिटिकल, ठीक है? वो फाई नोट आते आते लास्ट में अल्फा बन गया। और फॉर बोर्ड एग्जाम आप ये मेथड याद रखें, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेना।
कल हम कुछ पैरेलल सर्किट्स पे चलेंगे एंड देन ट्रांसफॉर्मर, और फिर आपका एसी पूरा हो रहा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।